Hello everyone, good evening my dear friends, welcome everyone, welcome to this fantastic session. Good evening, Samastanku Swagat. Welcome, Shruti, Sudipta, Dhyasa, Subhasri, Santosh, Samastanku Rushike, Samastanku Swagat, Korushi, Ajira, interesting, important session. So, Ajira, Korna, Shita, Mani, Janicho, Answer Kya Asiwala, Answer Kya Asiwala, OTT 2021, Raw, Paper 1. Okay. So, yes friends, discuss study by indicator, all the different possible answers. माने answer कौन होगा उचित? देखिबा, detail analysis करिबा. तो first में आरंभ करिबी एक टू, child development and pedagogy question number one. Okay, starting रूस start करुँची. समस्त ready? ऋषिकेश, सस्मिता, संतोष, समस्त को स्वागत आज रो interesting important session को. Welcome everyone. तो देखिबा केमती क्वेश्चन आसीथिला आजिरो एग्जाम रे OTT 2021 पेपर 1 रे डिटेल देखिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रॉक क्वेश्चन कोन अछि. ओके वेलकम एवरीवन. सो वेलकम टू आवर YouTube चैनल ड्रीम टीचरशिप. जो माने सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दियो सो दैट मोर सब लाइव एंड अपलोडेड वीडियोस को देखि परबो. राइट फ्रेंड्स. ओके सो स्टार्ट करिबा ए इंपोर्टेंट सेशन को. ओके ओके फ्रेंड्स. सो दितर अछि फर्स्ट क्वेश्चन. यस चलो. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीमेरिट. नॉट ए डीमेरिट देखि परछो फ्रेंड्स. नॉट ए डीमेरिट ऑफ ग्रुप लर्निंग. ग्रुप लर्निंग रो डीमेरिट कोटा नु है. सो एठी कोन लागू छी कोटा राइट आंसर हेत हो फ्रेंड्स. यस आको बेटर मु डाउनलोड कर दउ छी एंड ओपन कर दउ छी डेस्कटॉप. ओके चलो तो लेट मी ओपन इट फ्रॉम द डेस्कटॉप. OTET चलो PDF पर गला. यस चलो फ्रेंड्स. तो एठी डिटेल हमें देखिबा फर्स्ट रू सब क्वेश्चन को डिस्कस करिबा. लेट्स मूव ऑन. यस सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. क्लियर अछि फ्रेंड्स? क्लियरली देखा जाउ छी समस्त क्लियरली देखि पड़ु छ सुभस्मिता और ऋषिकेश संतोष. चलो तो तुम मन कर मत भी दबो. वर्तमान तो आंसर की आसी हमें एनालिसिस करबा. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीमेरिट ऑफ ग्रुप लर्निंग. ग्रुप लर्निंग रो डीमेरिट कोटा नु है. राइट तो आंसर कौन लागू छी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर तुम्हें माने को मु कहि भी बोली किसी. हां यस वेरी गुड. So yes, which of the following is not a demerit of group learning? Right answer is many students don't get the opportunity to utilize enough time in an activity. So ये not है तो ची not a demerit. अब ऐसी D सही तो जो माने भी जाओ चाहे ना D सही तो जाओ किंतु मु मना करी बिनी D सही तो जीवा को D right answer हो. बट ऐसी देखो D जगह का meaning ठीक है बुझवा कुछ चश्मा कलो. ओडिया रे जो लिखा है ची अनेक शिक्षार्थी अधिक समय विनियोग रो सुजोग पाई पारंती अधिक सुजोग अधिक समय विनियोग रो सुजोग पाई पारंती लिखाई छि किंतु एठी कोन छि मेनी स्टूडेंट डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज इनफ टाइम. सो किछ बुझि पाउ छ ना नै फरक ता देखु छ फ्रेंड्स एमति केमति. बट यस डी राइट आंसर हो. ये टिके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन छ हां ना नै बुझी पारु छ त समस्ते. मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज इनफ टाइम इन एन एक्टिविटी. अनेक शिक्षार्थी अधिक समय विनियोग रो सुजोग पाई पारंती त समस्या नुहे कोटा. ओडिया रे देखिले मु डी को डायरेक्ट पढु छी किछि कन्फ्यूजन होनी किंतु इंग्लिश रो क्वेश्चन रा देखला बेलकु मु कन्फ्यूज हे जाउ छी. हां ना नै त मेनी स्टूडेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज इनफ टाइम इन एन एक्टिविटी. ये गेट हुआ कहता डू नॉट गेट नो मिस्टेक हो दे. हाँ देख लो मिस्टेक ना नहीं
गुड इवनिंग करिश्मा प्रतीक्षा सो यस मते तो लागु छै कि मिस्टेक सच्चे आवटि ग्रेस मिलि जबा कथा समस्तन को कारण ओडिया रे जहां अछि इंग्लिश रे सेया तो नाही ओके डिसाइड करिवे हमरो यस आंसर की जो माने बनेबे एजुकेशनलिस्ट माने से माने बेटर डिसाइड करि परिबे यार रिजल्ट कण हो बट डी जो माने मारी छ से माने राइट हबो बोलिया लागु छै मते यस इट्स ए मिस्टेक प्रणाम प्रणाम हिमांशु ओके क्वेश्चन नंबर 2 Which one of the following is not a major concept of social constructivism? Social constructivism रो major concept नो है कोटा. प्रणाम समस्तन को स्वागत. समस्तन को welcome friends, welcome. Which one of the following is not a major concept of social constructivism? क्योंकि सामाजिक संगठन बाद रो मुख्य धारणा नुह है ठीक तो ठीक अच्छी ओडिया इंग्लिश किसी प्रॉब्लम नहीं है ठीक एंड यस राइट आंसर कौन रियलिटी रियलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कांसेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ओके ए सही तो जीवा ए राइट आंसर सो नॉलेज लर्निंग इंपोर्टेंट रियलिटी हेई पारे किंबा एठी हां रियलिटी ओवर मोस्ट चांस अछि बट नॉट ए मेजर कांसेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोसाइटी रियल जिंस भी तो नॉन सहित टिके कंफ्यूजन हो छी बट यस ए सहित जिमारो चांस अधिक ए सहित जाई पारे आंसर की क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूसिव स्कूल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल कोटा क्वेश्चन नंबर 3 एडी जो टिक मरा हिची ता सहित जीवनी फ्रेंड्स ए जारो क्वेश्चन पेपर रु आमे स्कैनिंग करके आनी छे क्वेश्चन ता तार होइट एक्चुअली तो ता सहित जीवनी यस प्रिया यस तो यार राइट आंसर कौन होबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल यस एटी ए रो चांस टिके अधिक आछ यस फ्रेंड्स अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट क्लासरूम फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स सेपरेट क्लासरूम सेम स्कूल किंतु सेपरेट क्लासरूम भिन्नक्षम पिलांक पई अलग श्रेणी कोठरी रो व्यवस्था ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 हु हैज रिटन द बुक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन व्हिच He has given 24 theories of motivation. किए लिखी चंती अभिप्रेरणा और तत्व समाधरे को पुस्तक रचना करी थी ले जेउं थीरे से 26 टी तत्व प्रदान करी थी ले Yes friends कौन वा आंसर संतोष अलका सुभश्री देवाशीष हिमांशु कविता सुप्रभा ज्योतिर्मयी समस्त बहुत एक्टिव थैंक यू गुड इवनिंग समस्तन को आरो राइट आंसर कौन क्वेश्चन नंबर 4 रो राइट आंसर फ्रेंड्स ए हबो के बी मैडसन राइट आंसर ओके बुझेला तो के बी मैडसन हबो चलो यस के बी मैडसन हबो देखिबो इन डिटेल टिके एनालाइज करिबो के बी मैडसन आई थिंक इज द राइट आंसर ओके ओके एंड यस फ्रेंड्स जदि वीडियो को लाइक करनो प्लीज लाइक करके बेल आइकन हिट करिवा को भूलिबनी माने सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिनियो और लाइक करिनियो निश्चय एंड फ्रेंड्स मान को सहित शेयर करिवो मते लागु छी हमरो आंसर की जहां मु दउछी 99% ठीक हे जाई पारे राइट लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट हु सेड इट लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर Due to punishment and reinforcement, क्ये कोई थे ले? Question number 5. चलो, सौभाग्यवती सुनंदा, OTET paper 1 हमें discuss कर चुके, right? OTET paper 1 आज ही रो परीक्षा, आज ही है थी वा OTET परीक्षा रो paper 1 को हमें discuss कर चुके, child development and pedagogy section. Question number 5 का answer.
ए हबो राइट बी एफ स्किनर इज राइट आंसर लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 यस अध्यासा सुजाता चंदन सस्मिता कविता व्हाट वाज द रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इन रिटेंशन टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन What was the recommendation made by the National Education Policy 1986 in relation to integrated education? So yes, ठीक है confused करी थी. Students who need different learning techniques and requirement will learn together. Who need different learning technique and requirement will learn together. ये तो ठीक ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक्चुअली मतलब लगुचे सी हबा कथा सी आउ ए भीतर टिके कंफ्यूजन अछि स्टूडेंट्स हु नीड डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स एंड रिक्वायरमेंट विल लर्न टुगेदर ये भी ही पारे लेस एंड मॉडरेटली डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स विल रिसीव एजुकेशन तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन अछि ए सहित अधिक चांस अछि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जेतु अछि कारण अठी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं तो डिजेबिलिटी आड़े जीवानी डिफरेंटली एबल्ड आड़े जीवानी ए सही तो चलो ओके चलो ठीक अच्छी कंफ्यूज होनी वैसे चलो ये करो एट व्हाट एज इज अ चाइल्ड डज इमोशन लाइक क्यूरियोसिटी एंड साइनेस डेवलप साइनेस आउ क्यूरियोसिटी डेवलप हुए को एज रे चाइल्ड भीतर इमोशन क्यूरियोसिटी टाइप इमोशन जानवा को इच्छा हम शाइनेस ये सब डेवलप करे को स्टेज रे तो फ्रेंड्स यार राइट आंसर यस सुनंदा वेरी गुड यस इंक्लूसिव नहीं इंटीग्रेटेड अच्छी राइट सुजाता ओके वेरी गुड फाइव इयर्स इज राइट आंसर फ्रेंड्स फाइव इयर्स इज राइट आंसर कारण ये हूँ आमर जो देखा केजी टाइम टा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी जो हमें देखा एरिक्सन करो फ्रेंड्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी केते एज टा कहिलो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी 3 to 5 years होची इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी बुझेला तो एही टाइम रे कौन से करिवो इनिशिएटिव सब एंड गिल्टी फील करिवो क्यूरियोसिटी नोआ जिंस करिवो बट गिल्टी फील करिवो पुनी साइनस आसीला इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी तो एरिक्सन का थ्योरी रो इटा आमे आनी परिबा एरिक्सन और ता पर स्टेज को जदी देखिबा 5 रु 12 इयर्स इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी फ्रेंड्स बुझियु छ ना बुझियु छ सुनंदा संगमित्रा शोहम हरप्रिया अध्याशा ओके सो ये 5 सहित जीबा 5 सहित जीबा 5 सहित ही चलो क्वेश्चन नंबर 8 If a learner not interested in mathematics is forced to study the subject, then the learning is not fruitful. This is explained by which law of Thorndike? Yes, Himanshu, Pranam, Lakshmi, Priya, Sujata, Suchitra, Shoham, Adyasa, Manjulata. Okay, Santosh, very good. कौन हो यार आंसर क्वेश्चन नंबर 8 नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज फोर्स टू स्टडी द सब्जेक्ट देन द लर्निंग इज नॉट फ्रूटफुल फ्रेंड्स एठी मते तो लागुची लॉ ऑफ इफेक्ट हबा कथा लॉ ऑफ इफेक्ट हबा कथा कारण लॉ ऑफ रेडीनेस ला सी इंटरेस्टेड नाही तो रेडी नाही बट इट इफेक्ट ता पर आगो को टिके जीवा कारण ताकु फोर्स करा हला स्टडी करबा पई औ तार इफेक्ट कोन तार रिजल्ट कोन आसीला लर्निंग इज नॉट फ्रूटफुल सक्सेसफुल हला नी फ्रूटफुल हला नी द लॉ ऑफ इफेक्ट लागुछ यस थॉर्नडाइक करो लॉ ऑफ इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 यस को माने ओटीटी परीक्षा देइचो फ्रेंड्स को माने देइचो तमान को भीतर आजि को माने देइचो टिके कमेंट बॉक्स रे मते जणाइबो
ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यस सुजाता, वेरी गुड। यस यस सुनंदा, थैंक यू, समस्त को धन्यवाद, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन। सुनंदा एग्जाम दे चुका जी। ओके अच्छा गुरु देई छो, ओ ठीक है सीमा। ओके 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 फ्रेंड्स, सो एठी देखो एटा को नै कि मु उठ के विश्लेषण करबी, जो माने देई न तांको पई देखो केमतिया क्वेश्चन आछे। सिटी बीएड जो मानर टारगेट अछि वर्तमान ओटीटी जाय भाबी न, फर्स्ट ईयर माने एई 2021 रे पाइला पर सिटी बीएड तमे 2022 रे ही ओटीटी दबो, कारण 1 ईयर कंप्लीशन रे देई पारिबो, राइट, समस्त देई पारिबो। पेपर 1 चली छि सोनिया, ओके। सेकंड पेपर मते सेंड करियो, सेकंड पेपर जा पाखरे अछि आज सेंड करियो, आई विल एनालाइज दैट आल्सो। ओके ठीक अछि, तो यस एठी कंफ्यूजन कोन होछि सी आउ डी भीतर, तो 9 रो सी राइट आंसर मु कहिबी, मोर एप्रोप्रिएट होछि स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल। हां टिके ट्रिकी क्वेश्चन दे छि, देखो तो एठी आमे टिके एनालाइज आकु करबा, तमरो जेहेतु टारगेट आगु को अछि सृजन, को टाइप रो क्वेश्चन आछि देखो फ्रेंड्स, टिके अधिक डिटेल रे जानिबा सृजन कोन, ए फेस्टिवल कोन, तो मु तमन को एठी कि नै कि जेबी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एमएलई फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन इन ओडिसा। ए पेपर टा मु तमन को सहित पूरा डिस्कस करबी निश्चय, कारण यार इंपोर्टेंस बहुत अछि, बट एठी मु सेहीटा देखेबी सेही पार्ट टा। ओके चलो देखिबा, तो चलो ठीक अछि, एठी लैंग्वेज विषय रे डिटेल मु देखेबी, आगु को देखेबी आटा, एटा पूरा स्टडी करबा डिस्कस करबा, बट एबे चलो मु तमन को एतिके कहि दउ छी जे देखो फ्रेंड्स स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल एटा सृजन, किंतु सॉन्ग एंड डांस सहित मध्ये यार रिलेशन अछि। ए पेपर जे जुडा देखेली सेटा तमन को डिस्कस करबी तमन को सहित, तार रिलेशन अछि आजर ओटीटी पेपर सहित, ओटीटी एग्जाम सहित, तो सेटा मध्ये मु डिस्कस करबी। बट यस स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल भी अछि, सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल भी अछि सृजन सहित। सृजन माने कोन, फियरलेस करबा स्टूडेंट्स मान को जो भय अछि पाठ पाठ प्रति भयटा को दूरीभूत करबा, तो एडी स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल मोर एप्रोप्रिएट, सॉन्ग एंड डांस मध्य सॉन्ग द्वारा मध्य एंड डांस द्वारा मध्य होए, बट एडी स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल सहित जीवा। ओके सो सी राइट आंसर, हां या सहित मु रिलेट करबी जो पेपर देखेली त मान को, हां डी लागु छी, तो एटा यार आंसर देखो स्टोरी टेलिंग भी अछि मु देखी छी एंड सॉन्ग एंड डांस दीटा रे कहछि, तो यस ये कंफ्यूजन गोटे अछि, बट स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल क्लियरली आकु मु देखी छी लेखा हवार स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल मोर जति मने अछि एंड सॉन्ग एंड डांस लिखाई छी सॉन्ग एंड डांस, तो कंफ्यूजिंग अछि। सो यस सॉन्ग एंड डांस टा टिके बेसी फ्री करि दबो भलिया लागु छी, कारण एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली सॉन्ग एंड डांस द्वारा समान आउट के फ्री हेई पारिबे। ओके एनीवे चलो सुजनटा स्टोरी टेलिंग किंदु ना रे सुजाता, ओके तो एटा देखिबो स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल रो भी चांस अछि अधिक एमती नो, बट दीटा जक लिखाइ छै एटा कर क्वेश्चन नंबर 10 इन आवर स्टेट अंडर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम बुक्स हैव नॉट बीन पब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। सीमा वर्तमान सीडीपी करबी एंड आगो को सबु भी करबी, वर्तमान मो पाखे जेहेतु टिके कम समय रही छी, कारण तमार क्लास पुनि अछि अनअकैडमी रे राती 8 रे। ओके तो एटा को आगो डिस्कस करबा, 30 टा क्वेश्चन को आगो कंप्लीट करबा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ओके अध्यास क्वेश्चन नंबर 10 रो राइट आंसर फ्रेंड्स होछि कोन कहलो, सी होछि राइट आंसर, भातुड़ी, कोया लैंग्वेज, किसान लैंग्वेज, ओराम लैंग्वेज, ये सब अच्छी आकु मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करा जाय छी, सेदिन से पेपर ता तमन को देखौ देली राइट, ओराम नो भातुड़ी, देखो मु तमन को आउतर क्लियरली देखै दू छी पेपर ता अच्छी एठी, तो देखै दबा एबे संगे संगे देखै दरे ठीक भला होबो बाबू छी, कोड़े वाला सेटा यस लैंग्वेज कोन कोन सब को लैंग्वेज रे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आसु छी, हां एडी अछि देखो फ्रेंड्स, देखो एडी कोया ऑप्शन रे थिला
ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଅପସନରେ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା? କୋୟା ଥିଲା, ଇସାମ ଥିଲା, ଓରାମ ଥିଲା। द लैंग्वेजेस आर सांताली, सौरा, कोया, कुई, कुवी, किसान, उराम, मुंडा, जुनगा एंड बोंडा। अब ता सहित आड हिच पुनि 11 मोर ट्राइबल लैंग्वेजेस से सब कौन? गडाबा, हो, गोंडी, पारोजा, खारिया, निडाई, बिंजाल, भुया, भूमिया, भत्रा एंड भुंजिया। तो भातुड़ी कुठे अच्छी की बातुड़ी कुछ अच्छी पाइल? नो। सो इट इज क्लियर फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन से कौन थिला? देखो, किसान, कोया, ओराम विथ प्रूफ। किसान, कोया, ओराम, बुझेला तो? क्लियर समझते? ऑल आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। ओके, क्लियर एवरीवन? सो यस, बातुड़ी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गॉट इट। हाँ, एक्यूमेंट डिस्कस करिए, जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ओडिसा रो तब डिस्कस करिए। चलो ठीक है, आगे को डिस्कस करिए निश्चय तक। क्वेश्चन नंबर 11। लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ थंडा इज आल्सो नोन एज? यस, तमन का रिस्पांस रो पे करे लॉ ऑफ रेडीनेस। अलका, लक्ष्मी, सोहम, मंजुलता, आरपी, अध्यासा, दूड़ोमणि, लक्ष्मी, राधिका। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का देखिए, वो लॉ ऑफ मोटिवेशन होगा आंसर। लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ मोटिवेशन, रेडीनेस मोटिवेशन सहित रिलेटेड लॉ ऑफ एक्सरसाइज और डेटा पार्ट डेटा लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और डेटा पार्ट ऑप्शन सी रे दे छि, लॉ ऑफ यूज और ऑप्शन डी रे लॉ ऑफ डिसयूज। यस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ डिसयूज। अच्छा, तो ये मोटिवेशन सहित जिबा कथा लॉ ऑफ मोटिवेशन। तो चेक इट आउट एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एनालाइज द परिभाषा निश्चय। यस, ए राइट आंसर, बुझेला तो? मंजुलता, हिमांशु। चलो क्वेश्चन नंबर 12। इजी क्वेश्चन आसी गले, तमो सब वाले तुमको कहे एक कथा, तमो बीएफ आसी गले इजीली मने रही जीव। सो यस, कौन सी कंफ्यूजन नहीं ना? कौन आंसर कौन है? बीएफ स्किनर था। कौन ऑपरेंट कंडीशनिंग असला माने बीएफ स्किनर? हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करी छे अगर बुझेला तो। गायत्री, गायत्री कहली रही रे 10 रो लॉ ऑफ मोटिवेशन एंड 12 रो सी। चलो 13 को चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर प्रिपेयरिंग कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन? कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करिवार रूल कोटा नुह, नॉट ए रूल। देखो नॉट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तुम्हें जोटा सब बेले हो जाओ। यस, प्रणाम मन्नू, क्रिया बहुत देरी कर लो, ये इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत इंपोर्टेंट आंसर की डिस्कस कर छे पेपर 1 ओटीईटी 2021 आजीत गिला एग्जामिनेशन। ओके, सो 13 रो राइट आंसर, यस गायत्री, कण लगु छे? नॉट ए रूल ऑफ प्रिपेयरिंग कंप्लीशन टाइप एजुकेशन, डी राइट आंसर। द लेंथ ऑफ ब्लैंक्स इन द क्वेश्चन मस्ट बी नियरली, माने सब क्वेश्चन रो ब्लैंक्स समान रहिबा कथा, ब्लैंक्स सहित किसी रिलेशन अछि कि ब्लैंक एका रहिबो किबा मन कर लंबा आंसर अछि गैप रे, गैप ता लंबा ऑप्शन सहित पिलो पबो तो ब्लैंक टा के लंबा दे दबो। इज इट रिलेटेड टू दैट प्रिपेयरिंग कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ ब्लैंक्स? नॉट एट ऑल। सो डी राइट आंसर श्योर। यस, मंजुलता, प्रतीक्षा, सुनंदा, प्रिया, आरपी, हिमांशु, राधिका, तापस, सुजाता। 14। सेल्फ रियलाइजेशन एज ए मीडियम फॉर फर्दर रिसर्च एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हु गेव इंपोर्टेंस टू दिस?
who gave importance to self-realization as a medium for further research on personality development? Yes, Sujata, Sunanda, Suchitra, Prateeksha, Dodomani, Adyasa, Priya, thank you everyone. And yes, Carl Roger, बहुत बढ़िया कला, मतलब बहुत खुशी लग रहा है. Carl Roger, yes, 1951, I think, 1951 रे, self-realization is the medium for personality development, further personality development. Carl Roger is the right answer. Very good. Yes. Carl Roger, चलो. Which is not an element of influencing the heredity of a child? उनके child का heredity को क्या influence करे नहीं? Sorry, personality को क्या influence करे नहीं? Child का personality को क्या influence करे नहीं? Yes, yes, Sujata, Sangeeta, Shoham, Radhika, Gayatri, Shobhagyavati, Alka, Rajesh, चंदन के करें. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द राइट आंसर? पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड. प्रबल कंफ्यूजन ना, कौन बहुत कंफ्यूजन. यस, सो एटी कंफ्यूजन कौन डी बेसी लगुची स्कूल, बट स्कूल रो इम्पोर्टेंस अछि इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड. ये तो हेरिडिटी हला इनबॉर्न जन्मरु रहिला, एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली अछि, बट हाँ एटी हेल्थ टिके आंसर थिला भलिया लगुची. हेल्थ सहित हमे जाई पारिबा, कारण स्कूल रो पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करिवार इम्पोर्टेंट रोल अछि. And health भी टिके लागूची, but yes, health more appropriate, maybe, health more appropriate. Yes, friends, so 15 question परे, आगे कुछ जीबा अधा question हमारो सारी गला, तो मुँ कही भी friends, हमारो channel दे जो मने भी नुआ, तो मने निश्चय channel को subscribe करीनियो, and subscribe करला परे bell icon को hit करिवा को भूलानी. Definitely bell icon को hit करो, so that मोरो सबू live and uploaded videos देखी पारीबो, and I am coming every day at 6 PM. लाइव सबु दिन 6टा रे आसुची, निश्चय समस्त सब्सक्राइब करिने फ्रेंड्स. हां, सी एप्रोप्रिएट एटी मु कहिल हेल्थ सहित जीवा सी एप्रोप्रिएट, कारण स्कूल रो इंपोर्टेंट रोल रहुची. यस, क्वेश्चन नंबर 16, बुझेला ना? चलो, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन. सुनंदा, आराधना, अलीवा, ज्योति, थैंक यू, मंजुलता, सोहम, समस्त को धन्यवाद. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? नॉट एन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यस, कोटा नो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म रो पार्ट. इट इज वेरी क्लियर, लर्निंग टू बी कंट्रोल्ड बाय टीचर्स. लर्निंग कौन टीचर मान को द्वारा कंट्रोल करा जाए, हमें एनवायरमेंट रूप भी सीखुचे, सब जगह रो हमें सीखुचे, तो लर्न हमें सब जगह रो करी पाउचे, सो इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द टीचर्स ओनली. एंड यस, ये ठीक अछि. क्रिएटिंग स्कोप फॉर सेल्फ एनालिसिस, इंस्पायर चाइल्ड टू फ्रेम क्वेश्चन, गिविंग इंपोर्टेंस टू रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम, सी राइट आंसर. एंड कते इजी क्वेश्चन अछि, हमें बहुत थरा बार बार डिस्कस करी छे. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1958-59 pertaining to women education sahita related? Yes, 1958-59 co committee, friends, co committee. Ha priya, kichhi nahi, sabu hard, sabu easy hai jibo, kichhi tension nahi, aaram se dekha sabu, bahut easy achi, kichhi difficult nahi. And ye to hai jibo 100% na, Durga Bai Deshmukh committee, friends, Durga Bai Deshmukh committee mane achi na, main 1958 रे असला फ्रेंड्स बुझौछि. हां, 1958 रु जनवरी 1959 पर्यंत, तो ये होची दुर्गाबाई देशमुख कमिटी इज द राइट आंसर.
थैंक यू वेरी मच जदि चैनल रे नुआ फ्रेंड्स डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिवा को भूलिबनी एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करि दबो वेलकम टू आवर चैनल समस्त को स्वागत जो माने भी फर्स्ट टाइम जॉइन कर छन निश्चय सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करिवा को भूलिबनी और वीडियो को समस्त प्लीज लाइक कर दियो बिकॉज़ योर लाइक्स मोटिवेट मी टू कम लाइव फॉर यू विद मोर एनर्जी न्यू कांसेप्ट्स एवरीडे क्वेश्चन नंबर 18 Which of the following is a provision under Persons with Disability Act 1995? Yes, बहुत बढ़िया अलीबा ज्योति मनुप्रिया संगीता चंदन राधिका दोड़ोमणि सुदीप्ता थैंक यू अलीबा ज्योति देवाशीष क्वेश्चन नंबर 18 तो which of the following is a provision under Persons with Disability Act 1995? आरो राइट आंसर कौन होगा फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सुजाता थैंक्स फॉर शेयरिंग द नॉलेज इन कमेंट सेक्शन हिमांशु यस सो 18 रो राइट आंसर कौन होगा मोस्टली लागू छी कौन ए जे प्रोविजन कहि छी तो मोस्टली आरो चांसेस अछि फ्रेंड्स बी होवार चांस अछि राइट चलो According to which article, RTE 2009, article of RTE 2009, any form of physical or mental punishment cannot be administered to a child. Yes, friends. According to which article, RTE 2009, ro ko article anusare, physical or mental punishment cannot be administered to a child. Yes, पूजा चंदन प्रिया अलका श्रीनंदा आरपी बहुत इजी क्वेश्चन ये यार राइट आंसर 17-1 एंड 17-2 मध्यम 17-1 एंड 17-2 बहुत बढ़िया संतोष पूजा थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग योर नॉलेज हियर संयुक्ता राजेश संगमित्रा अध्यासा भीष्मा थैंक यू प्रिया दर्शिनी संगीता गायत्री संतोष थैंक यू वेल डन क्वेश्चन नंबर 20 In which system regular teachers and resourceful teachers take responsibility for education of differently abled students? Question number 20. Yes. Regular teachers and resourceful teachers take responsibility for education of differently abled students. Samaste, mane regular wala bhi achanti dekha friends. रेगुलर टीचर्स भी अच्छा और रिसोर्सफुल टीचर्स भी अच्छा तो भाभी चिंता आंसर दियो कौन हम राइट आंसर यस समस्ते मिसी की अच्छा तो आंसर हम यस इंक्लूसिव एजुकेशन डेफिनेटली इंक्लूसिव एजुकेशन ना रे भीष्मा तमे जोटा कहुछ ना यार 24 नुआ 17-1 हबो 100% ओके चलो डोंट वरी ठीक है जी चलो क्वेश्चन नंबर 21 सुभस्मिता सस्मिता गोविंद सुजाता आरपी विद्या फॉर ऑल वेरी गुड ओके स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पॉल्सी रिक्वायर्स व्हिच टीचिंग मेथड सो यस यदि मेंटल डिसऑर्डर अछि सेरेब्रम एक्टिव नहीं लर्निंग डिजेबिलिटी अच्छी ताहले कोटा बेस्ट मेथड स्टूडेंट्स मान को पाई यस बहुत बढ़िया सत्यव्रत तापस ओके ओके सो यार क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर फ्रेंड्स क्लियरली जाना पड़ुछी बी हबो प्ले वे मेथड द्वारा तांको पढ़ेबा सो दैट इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट आसीबो तांकर लर्न करबा पाए वो इजीली सब जिंस को बुझी पारिबे गॉट इट फ्रेंड्स बुझेला ना चलो क्वेश्चन नंबर 22 मोटिवेशन इज द सेंट्रल फैक्टर इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग यस क्वेश्चन नंबर 22 आराम से ही पारिबो सब क्वेश्चन इजी अछि सेते डिफिकल्ट नहीं ठीक है कंफ्यूजिंग खाली अछि जा राइट
मोटिवेशन इज द सेंट्रल फैक्टर इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. सम टाइप ऑफ मोटिवेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लर्निंग. किए कहते ले यस द क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर होची. किसी कंफ्यूजन नहीं एठी देखो देखियो ठीक है स्किनर होबार चांस टिके लागू छी स्किनर होबार चांस लागू छी बट यस अटकिनसन ये एग्जैक्टली जो देखियो मोटिवेशन इज द सेंट्रल फैक्टर इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बोली कहिथिले बट स्किनर मध्य मोटिवेशन सहित रिलेटेड बट हमें ए सहित जीवा एठी ए मोर एप्रोप्रिएट यस चलो बट हाँ ठीक है चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 यस मंजुलता संगीता ओके अकॉर्डिंग टू यूएनसीआरसी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड बुझी उचित सुजाता मंजुलता खुशी कंपल्सरी elementary education comes under which right of a child compulsory elementary education ko right under hai asu yes yes friends answer kon aba most important hochi right to live ए सहित आमे जाई परबा कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन कम्स अंडर व्हिच राइट ऑफ चाइल्ड राइट टू लिव बट यस राइट टू पार्टिसिपेशन एठी कन्फ्यूजन क्रिएट करूचे राइट टू पार्टिसिपेशन कारण एठी एलिमेंटरी एजुकेशन कम्स अंडर व्हिच राइट ऑफ ए चाइल्ड को राइट अंडर आछि एलिमेंटरी एजुकेशन पचारि छि सो एलिमेंटरी एजुकेशन राइट टू लिव आई थिंक तो एटा को वेरीफाई करबो राइट टू पार्टिसिपेशन मोर इंपोर्टेंट ना राइट टू लिव बट राइट टू लिव अपेक्षा पार्टिसिपेशन टिके अधिक इंपोर्टेंट लागू छी बट एही दिटा कंफ्यूज हो छी यूनाइटेड नेशंस कोन कहै छी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन कम्स अंडर यस बी आउट शीर ऑफ चांस नहीं राइट ये पेपर 1 जयंती पेपर 1 ये बट देखिबो ए रीटा जिनसो भीतर कंफ्यूजन हो छे ए मोर एप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट बहुत बढ़िया नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट कोटा ट्रू नहीं तो सब ठीक है कंफ्यूज कर छी पार्टिसिपेशन भी रहला लिव भी रहला ताको वेरीफाई करवानी आती दरकार राइट टू लिव लागू छी राइट आंसर ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट विषय रे ट्रू नहे कोटा नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन समस्त हमारा आरपी मन्नू सुनंदा खुशी प्रिया हिमांशु दोलो मणि थैंक यू यार राइट आंसर कौन यस एटी तो सी लागू छी काई की डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय हेरिडिटी अलोन अच डेवलपमेंट केवल हेरिडिटी जोगु हुए की नहीं एटी सी राइट आंसर होबो सी होबो बी होबो नहीं काई की डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स एट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये तो ठीक अछि काहे की डिफरेंट रेट डिफरेंट पार्ट रो होछि कारण हेड टू टो हमें जानि छे डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू टो सेफालोकोडल डेवलपमेंट सेफालोकोडल डेवलपमेंट हमें जानि छे तो फर्स्ट डेवलपमेंट का रो हुए सेफालिक एरिया रो बा हेड रो ब्रेन रो ओके क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ हेरिडिटी एज प्रोपाउंडेड बाय मेंडल नॉट ए लॉ ऑफ हेरिडिटी एटी बहुत क्लियरली जाना पड़ुछ यस अलीबा ज्योति सुदीप्ता सुचित्रा सुनंदा संगमित्रा अभिजीत शुभश्री आरपी संगमित्रा थैंक यू एवरीवन 30 25 प्रो राइट आंसर कौन
लॉ ऑफ ऑन, यस लॉ ऑफ ऑन यूजुअलनेस, लॉ ऑफ ऑन यूजुअलनेस, अनयूजुअल ये किसी लॉ नथिला मेंडल कर लाइक बेजेट्स लाइक माने हला ये इनहेरिटेंस कथा कहा जाउ छी इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस कोन माने यू आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स इनहेरिटेंस वेरिएशन जानि छ तमे किसी किसी हमें अलग भी रहू छी पेरेंट्स मान के सहित पूरा समान नॉट के फरक भी रहू छी लॉ ऑफ रिग्रेशन भी रहू छी किंतु लॉ ऑफ अनयूजुअलनेस नाही फ्रेंड्स ओके थैंक यू फ्रेंड्स जो माने भी फर्स्ट टाइम जॉइन कर छ हमर चैनल रे समस्त सब्सक्राइब करी की बेल आइकन हिट करिवा को भूलि बनी एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिनियो सो दैट मोर सब दिन रो लाइव क्लासेस अपलोडेड वीडियो डिटेल एनालिसिस ऑल कांसेप्ट्स पाई परिवो हमर चैनल रे सो जो माने भी जॉइन करना जो माने भी सब्सक्राइब करना वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करिनियो वीडियो को समस्त लाइक करिनियो एंड फ्रेंड्स मान को सहित निश्चय शेयर करिवो मु बाकी सब पेपर 2 आउ बाकी सब पार्ट्स मध्ये इंग्लिश हो कि ओडिया हो सब पार्ट मध्ये डिस्कस करबी तमान को सहित ओके लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26 A good teacher is to good teacher ra function kon yes thank you everyone for your likes samaste like kar chhuar bahut bahut dhanyawad thank you everyone thank you very much a good teacher is to यस क्वेश्चन नंबर 26 सबूत का ऑप्शन देखा यस हिमांशु प्रिया चंदन संगमित्र बहुत बढ़िया गुरुचर समझते राइट आंसर प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मान को इंडिपेंडेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करिबा ओपननेस ओपन माइंडेडनेस क्रिएटिविटी प्रोवाइड करिबा सो दैट समाने भाभी पारिबे निजरो माइंड रो यूज करी पारिबे इंडिपेंडेंट थॉट द्वारा थिंकिंग प्रोसेस द्वारा एंड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन दबा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दबा सो दैट समाने तंगरो प्रॉब्लम को शेयर करी पारिबे इजीली इंटरेक्ट करी पारिबे एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करी पारिबे क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स अंडर एनसीएफ 2005 यस फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल अंडर एनसीएफ 2005 NCF 2005 is our reference. Related to principles. Students acquire knowledge in their own way. ठीक है जी. Rote learning result in longer retention. Yes. Question number 27. Quote about right answer. Student unable to learn better by asking question to teachers. Problem solving approach helps in acquiring knowledge. Which one is right? Yes, it is D more appropriate lagu chi friends. Problem solving approach helps in acquiring knowledge. And yes, A confused karu chi. Students acquire knowledge in their own way. Nijo hisab re semane acquire kariba katha knowledge kisi asubidha nahi. But problem solving approach helps in acquiring knowledge. Ye D more appropriate. D is more appropriate here. Teachers are advised in involving their students in group activities because besides learning they help in what okay ye bahut important bahut interesting easy one barambar karichi unacademy re madhyam amo channel re madhyam youtube channel re madhyam sabu jagare karichi teachers are advised to involve their students in group activities because besides learning they help in socialization right na manu priya sangeeta biswajit sujata sunanda radhika priya suchitra sangamitra arpi dolomani biswajit thank you shubhasri harpriya bujhuchi okay santosh chalo so socialization re help kariba society ra samasta member man ko sahit interact kariba re help kariba teachers are advised to involve their students in group activities so that ame kahuchu na gote mini society boli kahuchu na school ko सो ग्रुप एक्टिविटी जतले समस्त कोऑपरेशन कोलैबोरेशन वे रे लर्न करिवे कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर भितरे तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टूडेंट्स असन तो सोशलाइजेशन ऑटोमेटिक डेवलप हो जीरो सी एग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट ना
କେବେ ବି ନୁହଁ। ନେଗେଟିଭ ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଦେଖ ଏସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29। ସୁଜାତା ଅମିତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମନୁ ପ୍ରିୟା ସଂଗମିତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29। Knowing the ability of children to study a new English language textbook comes under which type of evaluation? Very easy question. Bhul laga kata nu? Yes. Kaun hai right answer, friends? Yes, Sujata. Thank you very much. It is formative over. Formative over. Shoham, thank you. It is formative over right answer. Formative. Formative evaluation of right alka dolomani formative hoba shoham। Okay, kahin ki formative hoba friends, formative evaluation mane kon assessment for learning ba assess koruche kon for learning mane formative। Formative kete bele hue gote chapter end he gala, unit test chapter end chapter wise test, right? Yes, Priya, Nishchay। Yes, thank you, Priya। And yes, formative। Sabu jinsa ticket ke padla pare। Knowing the ability of the children to study a new English language book। So, yara ability achi। Nua English language book te introduce karei ba। Eta kemti jani ba? Unit test। Mane term end test ega ho bani। Summative test ra me kisi kari pari bani। Diagnostic re problem ko solve kari ba। Problem solve kari ba। Okay। Ba remedial teaching da ba। Diagnostic re kaan kuruche? Remedial teaching, placement record करुँचे, job दोउचे, but formative record करीबा, तारो qualities कितने अच्छी, कितने knowledge अच्छी, mind कितने develop अच्छी, ताकु जाने की सही अनुसारे, तापरे English language book introduce करी पारीबा, got it? समस्त बुझिगल रे? सुजाता, हिमांशु, अध्यासा, दोलोमणि, संगीता, अमिता, thank you everyone, and friends। समस्ते प्लीज वीडियो को लाइक करिबो, फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिबो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर जाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करले कोन हो मोर सब लाइव क्लासेस एंड अपलोडेड वीडियोस को देखि परिबो फर्स्ट। एंड आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस, जो मानकर टारगेट भी अछि टीचरशिप, जो मानकर टारगेट अछि टीचरशिप फ्रेंड्स, ओटीटी ओएसएसटीटी सीटीटी बीएड सीटी एंट्रेंस एंड बाकी सब स्कूल रो एग्जामिनेशन जेम कि आर्मी पब्लिक स्कूल रो धरी केवी जेएनवी डीपीएस ओएबीएस सब जदि टारगेट अछि ताले डेफिनेटली चैनल रे जड़ित रह, अटैच रह। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, not a characteristic of learning activity। देखो मु सबु बेले कहे लर्निंग शुड बी सबुट बडा चैलेंज टीचर आगे कोन लर्निंग को एन्जॉयबल करी बाबा जॉयफुल करी बा, तो ये तो ठीक अछि। तापरे चैलेंजिंग डेफिनेटली लर्निंग एक्टिविटी ता चैलेंजिंग ना नहीं, मु सब बेले कहि छी फ्रेंड्स चैलेंजिंग। आउ तमे काहे कि व्हाई यू डिसाइडेड टू बी ए टीचर गुटे क्वेश्चन अछि, why you decided to be a teacher, because the profession is challenging one, and challenging kahi ki karna hame students one kar future banuche, so it is very challenging, very important one, so challenging bhi opportunity for multiple skill development, yes multidisciplinary development hi pariwa amaro, so all are correct as ye sab required, but not as a demonstration by teachers। लर्निंग एक्टिविटी केवल लर्निंग रे टीचर डेमोंस्ट्रेट करंती, एटा तो नहि, प्रोजेक्ट मेथड भी अछि, डिस्कशन मेथड भी अछि, सेमिनार मेथड भी अछि, आउ बेले-बेले हमें बाध्य होय कि लेक्चर मेथड भी फॉलो करू छै, जेमति कि हमें जानि छै लेक्चर मेथड कोठी फॉलो करू छै फ्रेंड्स, लेक्चर मेथड जोटी कोर्स ऑफ कवर बहुत कोर्स जहां को कवर करि वाला छै, कोर्सेस ऑफ सिलेबस बहुत बड़ा अछि, बा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अधिक आछंती, से जगह हमें लेक्चर मेथड को भी फॉलो करू छै, सो डिफरेंट मेथड्स छै, एंड एनवायरनमेंट रू इनफॉर्मल एजुकेशन भी होउ छै। Yes friends, so different jinso jaha aji ame janile 30 ta important child development and pedagogy ra questions OTT paper 1
आजिर एग्जामिनेशन रही 30 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट थिला समस्त हेल्पफुल आकोसी टॉपिक रो डाउट अच्छे तो मैंने आम चैनल रे पाई पारिबो तार डिस्क्रिप्टिव एंड कांसेप्ट क्लासेस विथ मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज सो चेक निश्चय करिबो सब वीडियोस को प्रिपरेशन बेस्ट करिबो आउ निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करबा को बोलिबनी सो दैट आम फैमिली रो एक्टिव मेंबर रही पारिबो एंड प्रिपरेशन को पूरा सिस्टमैटिक करी परिबा सो कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव वेरे हमें लर्न करू छेठी मंजुलता प्रिया समस्त को बहुत-बहुत धन्यवाद फॉर ऑल योर एक्टिव पार्टिसिपेशन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स मान को सहित शेयर करो तांको भी इनवाइट करो मु डिस्कस करबी तमान को सहित ई जो इंपोर्टेंट पेज तम एठी देखैली जावपुर क्वेश्चन आसी छी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एमएलई फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन ऑफ ओडिसा ए पेज का पूरा तमान को सहित डिस्कस करबी कारण मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लैंग्वेज अछि राइट टू एजुकेशन 2009 कोन अछि लॉन्चिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन ओडिसा को लैंग्वेज सब एठी एक क्वेश्चन भी आसी तले लैंग्वेज भीतर तो ए सब लैंग्वेज को भी हम को देखिवार अछि फॉलो करिवार अछि डेवलपमेंट ऑफ एमएलई केमिति डेवलप होई छि सब जिंस एठी बहुत गुडे स्कीम्स मध्ये अछि जोटा कि ट्राइबल स्टूडेंट्स मानन को मेन स्ट्रीम को आनी बारे हेल्प करी छि सो कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंपैक्ट ऑफ एमएलई एजुकेशन ए सब जिंस हमें डिस्कस करिवा निश्चय दिस आर आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर टीईटी एग्जामिनेशन जो मानकर ओटीटी क्लियर हो जाए तांको पाई मध्य सीटीईटी ओएसएसटीईटी पाई दरकार सब पेपर्स क्लियर करिवा पाई सीटीबीएड एंट्रेंस पाई मध्य दरकार सो सीटीबीएड पाई जो माने प्रिपेयर करछ बहुत कम समय रहला मासेरु डेढ़ मास भीतर पूरा सिलेबस को कवर करिवार अछि सो स्टे ट्यून्ड कीप वाचिंग द वीडियोस इन आवर चैनल एंड डेफिनेटली सेल्फ स्टडी भी इंपोर्टेंट त निजो को टाइम दियो नोट्स बनाओ नोट्स प्रिपेयर करो इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो एंड चैनल रे थिबा वीडियोस गुडा को मध्य देखो जोठी कि मु कहली डिस्क्रिप्टिव सहित एमसीक्यूज मध्य अछि Thank you everyone for your active participation. Anushriya Adhyasa. Yes, YouTube रे, यही हमारे channel रे, यही channel रे ही available अच्छे सबो videos. Right RB, Sujata, Anil, Santosh, and राति 8 रे अच्छी मोरो special session Unacademy रे, राति 10 रे मध्यम reasoning रे session अच्छी निश्चय join करिवो. Thank you very much. Thanks a lot for all your active participation. Thank you. Have a great time. Keep learning. Take care. Jai Jagannath.